आज हम एमसीएन समाचार के तरफ से खैसर कॉलोनी वार्ड नंबर 48 में आए हुए हैं। ये वार्ड कलीम कुरैशी साहब का है और यहाँ के वार्ड के अंदर कुछ यहाँ के लोगों के, महल्ले के लोगों के कुछ मसले मसाइल है। आइए इनसे जानते हैं क्या तकलीफ है। क्या नाम है साहब? मैं दुरानी आवेश खान, गली नंबर 1 में रहता हूँ और मैम का सोशल मीडिया का प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पर देखा गया कि एक सिंगल केबल वायर है और इलेक्ट्रिक पोल एक सिंगल है और कम से कम तकरीबन 100 से 1000 घर एक ही सिंगल पोल के ऊपर चल रहा है। तो सबों का रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि डीपी आना चाहिए, इलेक्ट्रिक डीपी। और बीच में कलीम भाई ने भी कोशिश करे थे और वो इलेक्ट्रिक डीपी आई थी और उसको बिठाने का चंपा मस्जिद के कब्रिस्तान में कोशिश की गई थी, लेकिन महल्ले के कुछ एक दो नौजवानों ने बोले थे, जो महल्ले के नहीं है उधर के साइड से रहते हैं, शाहगंज के उधर के साइड से, शाहजार उधर साइड से, तो वो लोगों ने एतराज़ करे थे और वो डीपी सेंक्शन होकर वापस चले गए। कलीम भी ने भी रिक्वेस्ट करे थे वो लोगों को कि भाई डीपी है ना इधर बिठा दो कब्रिस्तान में। और जिसकी वजह से ना यहाँ पे महल्ले में एक पहले तो जुलेखा हॉस्पिटल है, बच्चों का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पर सब बच्चे आईसीयू में एडमिट रहते हैं, वेंटिलेटर पर रहते हैं और बच्चों को जान को खतरा रहता है। कभी भी डीपी रात दिन 24 घंटे में कभी भी चल जाती है तो 8-8 घंटे 7-7 घंटे हमारे एरिया में है ना लाइट नहीं रहती। उसकी वजह से पेशेंट्स को, जो बुजुर्ग पेशेंट भी है, सांस के दम्मे के पेशेंट है, तो उनको भी तकलीफ होती है। हमारे फरदीन भी, जावेद भी है, उनके घर में भी ओल्ड एज पेशेंट है और वेंटिलेटर पर रहते हैं और सांस के पेशेंट है तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारी रिक्वेस्ट यही रहेंगी कि भाई किसी भी तरह महल्ले की जो तकलीफ परेशानी है इतने लोगों की, तो मसला ख़त्म होना और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डीपी फिट हो गई तो सब लोगों की तकलीफ दूर हो जाएगी। क्या मसला है आपको? ये डीपी का मसला है यहाँ पे ऐसा है, जब देखो जब वोल्टेज का जो है, अभी केबल वायरिंग भी डाली उन्होंने, वोल्टेज है तो आता जाता दिन में तो कम से कम 10 से 20 बार है तो वोल्टेज का मसला आता। लोगों के टीवी आए, फ्रिज उड़ गए, वो हो गए, दवाखाने में तकलीफ है, घरों में वेंटिलेटर जो ओल्ड पेशेंट है उनको लगाई हुई है तो वो शार्ट हो जा रही है। 15-15 हज़ार की किट आती है उसकी लगाने की, तो वो तकलीफ हो रही है। और यहाँ तुम डीबी सेंक्शन होके वापस गई यहाँ से, मान में सेंक्शन हो गई थी हमारे डीबी, फिर वापस गई हमारी डीबी यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुर्रानी अयाज खान, मैं एमआईएम का कार्यकर्ता हूँ। 3 साल पहले, जैसा कि आवेश साहब ने बताया है कि 3 साल पहले यहाँ पे हमारी डीपी सेंशन हो गई थी। अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं महल्ले में, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पे टीवी, फ्रिज और कई घर की मोटर जो है वो जल चुकी है और वोल्टेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, कम हो जाता है। अभी यहाँ पे हमारे जो वार्ड के जो लोग हैं, जो मस्जिद के सदर है कल्लू भाई साहब, दूसरे नज़ीर भाई साहब, जमील भाई साहब, ये लोग चाहते हैं कि डीपी कब्रिस्तान में आए साइड में, और वो बोल रहे हैं कि कुछ विरोध, एक आसिफ बोल के है, उनके बॉस है कुरैशी समाज के, उनका बोलना ये है कि हमारी एक इलीगल दुकान है यहाँ पे मुर्गी की, जो पहले कचरा कुंडी थी वहाँ पे डीपी डालिए, वहाँ पे डीपी डाली नहीं सकते ना, वो टर्निंग पॉइंट है और उसका वोल्टेज कितना रहता है डीपी का, ज़्यादा कम थोड़ी ना रहता है। अब बच्चे अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है, ये सिंगल लाइन डाले बाद भी 2-3 दिन से लाइट ऑटोमेटिकली रात में चले जा रही है और रात को वोल्टेज बढ़ जा रहा है, तो उसमें न्यू एसी पीछे की गली में भी उड़ गई, 2 नंबर गली में। अब ये यहाँ पे ये पोल के अंदर अर्थिंग चालू हो गई है, अब मस्जिद को आने जाने का रास्ता है, लोग नमाज से निकलते, बच्चे पैदल रहते, चप्पल नहीं रहती, गलती से किसी का हाथ लगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं आपके चैनल के माध्यम के मुताबिक ये बात इम्तियाज जलील साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो हमारी दिक्कत है पूरे वार्ड मेंबर की, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें और हमारी आपसे गुजारिश है कि इसके जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई हो इसके ऊपर। आपने एमएससीबी वालों को कंप्लेंट करेंगे? एमएससीबी वालों को हम जब भी कॉल करते हैं तो वो कॉल रिसीव ही नहीं करते, अगर रिसीव कर भी दिए तो आते नहीं हैं, उनका बार बार का मसला है। अभी भी आपके सामने अगर उनको कॉल करेंगे, आप भी करेंगे, तो वो फ़ोन उनका कभी उठा ही नहीं। आज आपने देखा यहाँ पर खैसर कॉलोनी वार्ड नंबर 48 के अंदर क्या मसले, क्या मसाइल है लोगों के। आज हम हमारे माध्यम एमसीएन समाचार के तरफ से अपील करते हैं इम्तियाज जलील साहब को और एमएससीबी डिपार्टमेंट को कि जल्द से जल्द यहाँ के महल्ले की लोगों की और आवाम की तकलीफें दूर कर दी जाए। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए एमसीएन समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।